Today I'm going to explain chapter 20 confusing words. Confusing words मतलब वो words जो आपको confuse करें. अब कैसे confuse करें वो आपको इस chapter में पता चलेगा. Look at the pictures and read the words given below. Picture को देखिए और जो words दिए गए हैं उनको पढ़िए. Aunt, aunt. At, eight. Fair, fair. Blue, blue. I, I. One, one. Each pair of words given above sound same but have different spellings and different meanings. कहा गया है कि जो words हैं, देखो इनका pronunciation क्या है? Same है ना? A N T इसको भी हम aunt पढ़ेंगे, A U N T इसको भी हम aunt पढ़ेंगे. लेकिन spelling क्या है? Spelling अलग है ना? A N T है, A U N T है. Spelling अलग है plus दोनों की जो meaning है वो भी अलग ही है. क्योंकि A N T aunt means chitty और A U N T aunt aunt means auntie, तो अलग हुआ ना, spelling भी अलग है और meaning भी अलग है, लेकिन pronunciation दोनों का same है. तो इसीलिए इनको कहा गया है confusing words. इनको homophones भी कहते हैं. जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको confusing words वहां नहीं लिखा होगा, वहां लिखा होगा आपको homophones, यानी जिनकी spelling और मीनिंग डिफरेंट हो, अलग हो, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन सेम हो, वही होते हैं हमारे होमोफोन्स. और आप में दिया है कंफ्यूजिंग वर्ड्स. ए टी ई एट, एट मींस खाना, और ई आई जी एस टी एट, एट मींस एट नंबर हो गया आपका. फेयर देखो, एफ ए आर फेयर, मेला एफ ए आर ई फेयर, ठीक है. ब्लू बी एल यू ब्लू, अब बी एल ई डब्ल्यू ब्लू, यानी ब्लू मींस कलर हो गया. तो इसी तरह आपका आई, आई भी दिया हुआ है, वन वन यानी वन, ओ एन ई वन, और वन देखो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, उसको हम ओ एन ई वन पढ़ते हैं, उसको वन पढ़ते हैं. इसी तरह आपके और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सिर्फ इतने ही नहीं होते, और भी बहुत सारे होते हैं. जैसे टी एच ई आर ई, देयर, देयर पढ़ते हैं. टी एच ई आई आर, उसको भी देयर पढ़ते हैं, लेकिन दोनों के स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग भी अलग अलग है. एक टी एच ई आर ई देयर, देयर मीन्स वहां, और टी एच ई आई आर देयर, देयर मीन्स उनका. एक्सरसाइज वन, चूज द करेक्ट सिमिलर साउंड साउंडिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. इसमें आपको क्या करना है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे टेल, नॉट, राइट, देयर, कॉट, सीन, प्रे, हियर, सेल, सम. नॉट के एन ओ टी भी नॉट होता है, एन ओ टी नॉट होता है, सी ओ टी कॉट, और सी ए यू जी एच टी इसको भी कॉट पढ़ते हैं. हेयर एच ए आई आर हेयर, और एच ई आर हेयर. टेल टी ए आई एल टेल, और टी ए एल ई टेल, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है. देयर देखो, देयर वाला मैंने बताया था, यहाँ पे आ भी गया टी एच ई आर ई देयर. एस ई डबल एल सेल, सी ई डबल एल सेल. सीन एस सी ई एन ई सीन, एस डबल ई एन सीन, उसको भी सीन ही पढ़ते हैं. सम एस यू एम सम, एस ओ एम ई सम, इसको भी पढ़ते हैं. डब्ल्यू आर आई टी राइट, आर आई जी एस टी राइट, दोनों का सेम हुआ ना. प्रे पी आर ए वाई प्रे, और पी आर ई प्रे. इसी एक्सरसाइज टू में भी आपको यही करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स. देखो ब्रैकेट्स में दो वर्ड लिखे हैं, आपको सही वाला चूज करके यहाँ पे फिल करना है. जैसे शी हैज ग्रोन वीक, अब डब्ल्यू ई ए की वीक, और डब्ल्यू डबल ई के वीक, अब यहाँ पे कौन वाला वीक होगा, कमजोर. डब्ल्यू ई ए के वीक हुआ कमजोर वाला, कि शी हैज ग्रोन वीक इन द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते से वो क्या हो गई, कमजोर हो गई है. हैव पेन इन माई लेफ्ट, आई हैव पेन इन माई लेफ्ट आई, मेरी लेफ्ट आई में पेन है. ही वॉन अ मेडल इन वन कॉम्पिटिशन, कौन वाला वॉन, वॉन मीन्स जीतने वाला, डब्ल्यू ओ एन वॉन, और वहाँ पे वन कॉम्पिटिशन. आई न्यू दैट, कौन वाला न्यू, के एन ई डब्ल्यू वाला न्यू, की मुझे पता था. न्यू दैट दिस न्यू ड्रेस इज लुक गुड यू ऑन यू, और वहाँ पे एन ई डब्ल्यू वाला न्यू यानी नया वाला. आई कैन डैश अ ह्यूज अहेड, आई कैन सी एस डबल ई सी अ ह्यूज, और कौन वाला सी, समुद्र वाला सी, कि मैं आगे एक बड़ा समुद्र देख सकती या सकता हूँ. सी और यहाँ पे समुद्र वाला सी होगा दूसरे वाले में, ठीक. तो ये था आपका चैप्टर 20 कंफ्यूजिंग वर्ड्स. और इसके बाद आपका कौन सा चैप्टर बचेगा कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बाद, आपका सिलेबस
कंप्लीट हो गया ग्रामर का भी, एनुअल सिलेबस आपका कंप्लीटेड एंड कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल्सो रिलेटेड फ्रॉम योर सिलेबस. तो आपका इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, आपका आज से इंग्लिश ग्रामर का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है.